उत्तर प्रदेश के जनपद संभल के बिलारी रोड पर डेंगू के एक मरीज को सरकारी एम्बुलेंस की सुविधा न मिलने के कारण परिजनों द्वारा मरीज को ड्रिप चढ़ाकर बाइक पर ले जाते हुए वीडियो वायरल हुआ। बता दें कि डेंगू के मरीज को उपचार हेतु अस्पताल ले जाने के लिए 108 एम्बुलेंस की सुविधा न मिलने पर सरकारी दावों की पोल खुल गई। पूरा मामला जनपद संभल के बिलारी रोड का है, जहां पर एक युवक को डेंगू की पुष्टि हुई थी। डेंगू की पुष्टि होते ही मरीज के परिजनों में चिंता बढ़ गई। इसका घर पर ही इलाज चल रहा था, लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ते हुए देख परिजन उसको अस्पताल ले जाना चाहते थे। उन्होंने 108 एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कई बार फोन किया, लेकिन 108 एम्बुलेंस की सुविधा नहीं हो पाई। इसी कारणवश मरीज के परिजन मरीज के हाथ में लगी ड्रिप को उठाकर बाइक द्वारा उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जहां तो एक तरफ सरकार और सरकार की मशीनरी सरकारी व्यवस्थाओं को बढ़िया बता रही है, वहीं दूसरी तरफ एक डेंगू के मरीज को सरकारी एम्बुलेंस न मिलना सरकार और सरकार की व्यवस्थाओं की पोल खोल रही है। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया के लिए जनपद संभल से मुबारक अली की रिपोर्ट। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया अपने दर्शकों से निवेदन करता है कि जब बहुत जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, अपना ध्यान रखें और अपनों का ख्याल रखें, मास्क का प्रयोग करें और उचित दूरी बनाए रखें। धन्यवाद।